जय जिनेन्द्र। बे मिनिटनी पाठशाला में आज आपणे प्रमेयत्व गुण पर विचार करीशुं। चालो एक जीवनी कमजोरी अने एक जीवनो समाधान बंने उपर चर्चा करीए। दरेक जीवनी एक ज शिकायत होय छे कि कोई मने समझतो नथी, कोई मने समझतो नथी। अने जीवनी एक सौथी मोटी कमजोरी पण होय छे के हूँ मारी जातने समझतो नथी। बोलो, आपणा बधानी एक ज शिकायत छे। पत्नी पति थी कहे छे कि पति मने समझतो नथी, पति पत्नी थी कहे छे कि पत्नी मने समझती नथी। पण आपणे बधा एकबीजाने नथी समझता, आपणे ए प्रॉब्लम लागे छे। पण खरे अर्थमां तो आपणे आपणी जातने समझता नथी, प्रॉब्लम ए छे। तो लोको एम कहे कि आ प्रॉब्लमनो शुं समाधान, मारी पासे मारी जातने समझवानुं साधन छे करो। तो जैन आचार्य कहे छे कि भाई, तारी पासे तारी जातने समझवानो एक गुण छे, अने ए गुणनुं नाम छे प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण एम कहे छे कि जे शक्तिना कारणे द्रव्य कोईना कोई पदार्थनो ज्ञेय अवश्य होय छे। एटले जे कंई पण थई रह्यो छे, घटित थई रह्यो छे, ए कोईना कोई ज्ञाननो विषय हशे ज। तमे चोरी करो तमने खबर छे, भगवानने खबर छे, कर्मोने खबर छे। तमे पाप करो तमने खबर छे, भगवानने खबर छे, कर्मोने खबर छे। एटले कंई छानू मानू राखवानुं जे आपनो दुर्भाव छे कि हूँ करीश कोईने खबर नहीं पड़शे, आ प्रमेयत्व गुणथी नष्ट थई जाय। अने सौथी अगत्यनी वात जे एनाथी जाणवा मळे कि हूँ जेवी रीते परने जाणू छूं એવી રીતે હું પોતાની જાતને પણ જાણી શકું છું। કેમ કે હું પણ એક દ્રવ્ય છું, અને દ્રવ્ય હોવાને લીધે મારા અંદરમાં પ્રમેયત્વ ગુણ છે, અને પ્રમેયત્વ ગુણને લીધે હું મારી જાતને જાણી શકું છું। તો જે પોતાને જાણી લે છે એને પછી જગત જોડે કમ્પ્લેન્ટ રહેતી નથી, અને જે પોતાને જાણતો નથી એની કમ્પ્લેન્ટ ક્યારે મટતી નથી। તો એ જ આપણી કમજોરી છે, અને એનું સમાધાન પ્રમેયત્વ ગુણથી થઈ જાય છે। જય જિનેન્દ્ર।